हो गया। सुप्रभात बच्चों, कल मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद बतलाए थे उसके विषय में मैं आपसे कुछ बोर्ड पर भी कुछ वाक्य लिख करके और पहचानवाए थे कि ये फलाना है, ये चीज़ है। तो आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बतलाना चाहूँगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में मैट्रिक के सिलेबस में ये वाक्य के जो भेद है रचना के आधार पर, ये पढ़ना पड़ता है। इसलिए अर्थ के आधार पर पढ़ना पड़ता है 9th में, और रचना के आधार पर पढ़ना पड़ता है 10th में। तो इस पर पूरा सही से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि वाक्य अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद और रचना के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं। तो वाक्य तो वही चीज है, वाक्य की जो परिभाषा हम पहले दिए हैं वही परिभाषा। ये बात थोड़े है कि अर्थ के आधार पर वाक्य की परिभाषा बदल जाएगी और रचना के आधार पर वाक्य की परिभाषा बदल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वाक्य की जो परिभाषा है वो तो रहेगी ही। वाक्य है अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर जो करते हैं बोल करके या लिख करके, वही वाक्य होता है। हम अपने मन के अंदर की भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो बातचीत के दरमियान जो वक्ता की भावना होती है वो श्रोता सुनता है, यही तो वाक्य हुआ। वाक्य के माध्यम से ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच हम अपने मन के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, तो यही वाक्य हुआ। अब देखिए, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के जो तीन भेद होते हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहले आपको सरल वाक्य को के बारे में जान लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों भेद आज ही सीख लेना है, आज उतना ही सीखिए जितना कि आपके जेहन में फॉर एवर के लिए समा जाए, बस उतना ही पढ़ाई कर लिए। जैसे सरल वाक्य जो होता है उसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, अर्थात एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। कर्ता जो होता है, वाक्य के दो खंड होते हैं, जानते ही होइएगा आप लोग कि किसी वाक्य के दो खंड होते हैं। अंग्रेजी में भी पढ़े होइएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसी को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय। तो जहाँ कर्ता होता है जिस वाक्य में, तो कर्ता तो होगा ही, तो कर्ता उद्देश्य हो गया, और कर्ता के बाद वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं अन्य खंड जो भी है वो विधेय हो गया। तो ये साधारण सा वाक्य देखने में ही आपको लग जाएगा कि नहीं ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में आने वाली क्रिया अगर सकर्मक हो
कर्म होगा। अगर वाक्य में आने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया है तो वाक्य में क्रिया नहीं होगा। सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया है तो दो कर्म आएंगे। सकर्मक और द्विकर्मक क्रिया हो तो दो कर्म आएंगे। जैसे सेठ ने नौकर को पैसा दिया, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, यहाँ सेठ हो गया कर्ता, नौकर और पैसा हो गया कर्म, तो द्विकर्मक क्रिया हो गया ना, कर्ता एक ही है और कर्म दो हो तो द्विकर्मक क्रिया हो गया। तो देखिए सरल वाक्य को समझना बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य के जो दो खंड होंगे उद्देश्य विधेय, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, इसमें एक ही वाक्य होगा, दूसरा वाक्य नहीं इससे खंडित करके निकाला जा सकता है। अब मेरी बहन दो दिन से यह किताब पढ़ रही है, अगर मेरी बहन कर उसको हम एक वाक्य का रूप दे दें तो मेरी बहन एक वाक्य नहीं हुआ, वाक्य का परिभाषा ही है जिससे कुछ भाव प्रकट हो, है ना, जिसके बारे में कुछ जानकारी प्रकट हो वही वाक्य होता है, समझे कि नहीं। सार्थक समूह खंड जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करे, तो मेरी बहन क्या आशय प्रकट कर रहा है, कुछ नहीं आशय प्रकट कर रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं हुआ। तब क्या होगा, मेरी बहन दो दिन से यह किताब पढ़ रही है, मेरी बहन दो दिन से यह किताब पढ़ रही है। मेरी बहन दो दिन से किताब पढ़ रही है, ये एक ही वाक्य है, इसको हम किसी तरह दो खंड में नहीं बांट सकते हैं। तो जो एक ही वाक्य होगा वो सरल वाक्य होगा, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। और देखिए मेरी बहन ये उद्देश्य है, क्या है, यह उद्देश्य है। बाल वाक्य जो ये पूरा है, दो दिन से किताब पढ़ रहे हैं, ये विधेय हुआ। ये विधेय हुआ, एक उद्देश्य हुआ इसमें एक खंड और दूसरा खंड विधेय हुआ। ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो। मेरी बहन कर्ता हो गया तो एक ही कर्ता हुआ, किताब पढ़ रही है पढ़ना क्रिया हो गया, एक ही क्रिया हो गया। तो ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, तो इसमें वह जो है ना सो हो गया उद्देश्य।
वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। यहाँ पर वह जो है उद्देश्य हुआ, ये उद्देश्य हुआ। और पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, ये हो गया विधेय। एक ही वाक्य होगा, उस एक वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगा। तो ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहेंगे। सरल वाक्य किसे कहेंगे? वैसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, अर्थात एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होंगे, वो सरल वाक्य ही होंगे। ये मैं बल देकर के मैं कह रहा हूँ कि वैसे वाक्य को आप भी सरल वाक्य ही लिखिएगा, कहीं से कोई संशय नहीं। ये सरल वाक्य समझ गए। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होता है, नाम ही है उसका संयुक्त, नाम ही उसका है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब होता है साथ साथ युक्त, जुड़ा हुआ। जब दो वाक्य एक साथ जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं। जब एक वाक्य होते हैं तो वह वाक्य हुआ, और जिसमें वाक्य के कितने खंड हो सकते हैं, पूरे वाक्य से हम अलग अलग भी वाक्य बना सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे उपवाक्य। उपवाक्य उसको क्या कहेंगे? उपवाक्य। तो संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, है ना? संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, और दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कोई उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक के अभाव में दूसरा निष्क्रिय वाक्य हो गया, तो वो आश्रित वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ है कि इसमें दो उपवाक्य होंगे, लेकिन दोनों उपवाक्य का अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व होगा। कोई किसी पर आश्रित नहीं होगा, डिपेंड नहीं होगा। समझ गए ना? दोनों उपवाक्य को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों के सार्थक अर्थ निकलेंगे, है ना? इस ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जहां दो वाक्य संयुक्त रूप से मिले होते हैं, तो दोनों वाक्य के बीच में जोड़ने वाली कड़ी होता है, जिसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय उसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे और, या, एवं, नहीं तो,
वारना अथवा चाहे लेकिन किंतु परंतु मगर इसलिए ये सब जो शब्द है सो समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय का यहाँ आवश्यकता पड़ता है क्योंकि यहाँ दो वाक्य हैं। राम पटना जाता है सीता खाती है, ये एक वाक्य नहीं हुआ, ये अलग अलग दो वाक्य हुआ। लेकिन राम पढ़ता है और सीता खाती है ये एक ही वाक्य हो गया, क्योंकि राम पढ़ता है एक वाक्य हुआ, सीता खाती है एक वाक्य हुआ। तो दोनों वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़कर एक वाक्य जब ये हम बनाएंगे तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राम पढ़ता है और सीता खाती है, ठीक है। तो यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ वाक्य हो गया, इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य हुआ, राम पढ़ता है, किसी पर आश्रित नहीं है, वो अपना पढ़ रहा है, सीता खाती है यह भी किसी पर आश्रित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वाक्य के कुछ ऐसे खंड हैं जिनका लोप कर देने पर सीता खाती है का अस्तित्व घट जाएगा, सो बात नहीं है। सीता खाती है अपने आप में स्वतंत्र है, राम पढ़ता है अपने आप में स्वतंत्र है। ये दोनों उपवाक्य जब समुच्च बोधक अव्यय से और के द्वारा जुड़ा होता है तो उसे संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको बरगलाने के लिए और को लोप कर दिया जाता है, पर को लोप कर दिया जाता है, इसलिए को लोप कर दिया जाता है, किंतु परंतु अगर मगर और या अथवा इसलिए ये सब शब्द जो हैं सो समुच्च बोधक अव्यय हैं। और वाक्य के दो अलग अलग खंड को यह जोड़कर एक संपूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं देर तक, धड़पड़ करके नहीं पढ़ना है, स्नेह स्नेह धीरे धीरे पढ़ना है ताकि बात समझ में आ गए, पुनः फिर दूसरे दिन इसकी पढ़ाई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।